हेलो स्टूडेंट्स, किस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम से। तो पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है ऑन 31 मार्च 2023 बैलेंस शीट को एच लिमिटेड एंड दी सब्सिडियरी एस लिमिटेड आर गिवन। तो सबसे पहले आपको जो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपये 10 ईच 12,048 फिर आपके पास है जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल का बैलेंस, करंट लाइबिलिटीज आपको मैंशन किए हैं, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स हैं एंड डिविडेंड इज पेएबल इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी। फिर आपको एसेट्स में मेंशन किए हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और नॉन करंट आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, उसकी कॉस्ट आपको दी है। करंट एसेट्स हैं आपके पास इन्वेंट्रीज हैं, डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल, कैश एंड इक्विवेलेंट एंड लोन्स एंड एडवांस दिए। अब आपको मेंशन किया है फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन। सो एस लिमिटेड परचेज 180 लाख शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2022 वैन का बैलेंस ही और जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल ऑफ एस लिमिटेड स्टूड एट ₹3,000 लाख एंड 1,200 लाख रिस्पेक्टिवली। तो रुपीज आपके देखो लैक्स में चल रहे हैं सारे, और जो आप पहले मेंशन करके हैं वकील जो करंट ईयर, तो करंट ईयर देखो आपको मेंशन किया है 2022-2023। तो एचनी शेयर्स एक्वायर किए हैं एज इन 1 अप्रैल 2022। सो एच हैज एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, और जो टोटल शेयर आपने एक्वायर किए हैं 180 लाख शेयर्स एंड वैन का बैलेंस ही जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल गिवन ऑन 1 अप्रैल एस लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड 20% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। फिर आपने प्रीवियस ईयर 2021-22 का डिविडेंड पे कर लिया है आउट ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स ऑन 1 अप्रैल, इसमें किसी प्री एक्विजिशन डिविडेंड को एच क्रेडिटेड का डिविडेंड रिसीव बाय एक क्विक से पी एंड एल अकाउंट, और एच ने अपना डिविडेंड का शेयर पी एंड एल में क्रेडिट कर दिया है। ऑन 1 जनवरी एस लिमिटेड इशू के 3 फुली पेड अप बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स आउट ऑफ बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ऑन 31 मार्च 2022। तो 1 जनवरी को January 1 एस ने बोनस शेयर इशू कर दी है, तो बोनस शेयर्स इशू और उसकी रेशो आपको मेंशन की है। सो 3 फुली पेड बोनस शेयर्स आर इशूड फॉर एवरी 5 शेयर्स, इसमें बोनस इशू रेशो की 3:5। तो इट मीन्स अब क्वेश्चन साइलेंट है, बोनस शेयर आपने इशू कर दिए हैं, इट मीन किसी गैलरी की एडजस्टेड इन बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। तो जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उसकी क्या एंट्री होती है, पहले हम बोनस ड्यू करके हैं पी एंड एल और रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू बोनस को शेयर होल्डर, फिर हम बोनस शेयर इशू कर रखे हैं बोनस को शेयर होल्डर को शेयर कैपिटल, एक मिनट जो नेट इफेक्ट है आपका वो है आपका पी एंड एल और रिजर्व टू शेयर कैपिटल। तो आपके जो रिजर्व हैं वो आपके यूटिलाइज हो जाएंगे जब पी एंड एल का बैलेंस, जैसे इसमें मैंशन किया है बोनस शेयर हमने इशू किया आपको जनरल रिजर्व, उसमें इसमें जनरल रिजर्व आपका यूटिलाइज हो जाएगा और शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। एक मिनट, अब जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है एस कंपनी का 31 आपको जनवरी की 31 मार्च की हमें बैलेंस शीट दी है 23 की, तो इस शेयर कैपिटल में ये बोनस भी आपका इंक्लूड है। फिर आपको कुछ म्यूचुअल ओइंग्स दी हैं, बिल्स पेबल हैं, जनिकल इन्वेंट्री, तो लेकर से अब आपको यो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वकील एक्ट शेयर इन एस कंपनी, तो उसके लिए आपको चाहिए एस कंपनी के बतार ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर ऑन 1 अप्रैल। अब आपको दिए 31 मार्च को, तो 1 जुलाई को बतार नंबर ऑफ शेयर ऑफ एस लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस जिसे जो एज ऑन 31 मार्च 2023। तो अब देखिए शेयर कैपिटल आपको मेंशन किया है 48 लाख, इसको आप डिवाइड कीजिए 10 रुपीज़ से, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 480। बट दिस विल बी कंसीडर्ड आफ्टर बोनस। अब इसमें से देखो बोनस है कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ बोनस शेयर से इशू। अब आपको रिवर्स चलना पड़ेगा, देखिए आपके ओरिजिनल शेयर के 5, उसमें आपने इशू किए 3 बोनस शेयर, इसमें टोटल शेयर बन जाएंगे आपके 8। सो इफ टोटल ये 8 बोनस शेयर्स आ रहे 3,
If total is 480, then how much is your number of bonus shares? So this is your 480 into 3 divided by 8. This is 180. It means now you get original number of shares. Number of shares of S Limited, and this is your as owner. So 1st April 2022. It means year ke beginning mein kitne share ke aapke 300. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, आपको ध्यान रखना होता है. जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, पहले चेक कर लो वेदर इट हैज बीन एडजस्टेड इन बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी और नोट. कई बार वो मेंशन करते हैं कि बोनस अभी हमने एडजस्ट नहीं किया है. इट मीन्स फिर को जो नंबर ऑफ शेयर आपको दिए हैं 31st मार्च को, वो आपके सेम है जो आपके ओपनिंग थे. पर एक बोनस आपका ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है, तो इट मीन्स जिस नंबर ऑफ शेयर एज ऑन 31st मार्च इट इंक्लूड बोनस शेयर, उनको आप करो माइनस, वो आपके ओरिजिनल शेयर आ जाएंगे. अब आप कैलकुलेट कीजिए बटे एच शेयर इन एस. अब एच का कितना शेयर है एस में? एच ने एक्वायर किए हैं 180 लाख शेयर आउट ऑफ टोटल 300 लाख शेयर. तो इट मीन्स एच का शेयर आ रहा है अभी 60%. तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 40%. ये बेसिक पर्पज है हमारा कि नंबर ऑफ ओरिजिनल शेयर कैलकुलेट करने का, बटेज एच शेयर एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसके बेस पर हम प्रिपेयर करेंगे अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. ये थी आपकी फर्स्ट वो बेसिक इन्फॉर्मेशन. को आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट. लेके शो फर्स्ट पर्सन होते जो कैलकुलेशन ऑफ सो करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं पी एंड एल अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड फॉर द ईयर जिसे जो 2022-23. उसमें देखिए आपको ओपनिंग बैलेंस मेंशन किया है, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन. और एक आप इसमें ओपन कर लीजिए जनरल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि जनरल रिजर्व का भी बैलेंस आपको दिया है और उससे के थ्रू हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं. जनरल रिजर्व अकाउंट बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस. अब देखिए आपको मेंशन किया है व्हेन एच लिमिटेड परचेज 180 लाख शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 31st मार्च 2022, देन द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड पी एंडल ऑफ एस लिमिटेड टू गेट टू 3000 लाख. तो रुपये आपके ऊपर चल रही है लैक्स में. जनरल रिजर्व का जो बैलेंस था ये था 3000 लाख एंड पी एंड एल बैलेंस है 1200 लाख रिस्पेक्टिवली. फिर आपको मेंशन किया है ऑन 1st अप्रैल एस डिक्लेयर्ड डिविडेंड 20% फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022. अब ये भी एक अच्छा पॉइंट है, अब कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया है, को डिविडेंड पेड, और ये आपने पे किया है फॉर प्रीवियस ईयर 2021-22. ये हम पे करेंगे जो हमारा ओरिजिनल शेयर कैपिटल का, ओरिजिनल शेयर कैपिटल का आपका 300 लाख शेयर ऑफ ₹10. तो इसके ऊपर कंपनी डिविडेंड पे करेगी पिछले साल का, इतने इसमें बोनस शेयर इंक्लूड नहीं करेंगे हम. तो जिस डिविडेंड जी 20% इंक्लूड 20%, तो किसी कमिंग 600 लाख. फिर एच ने अपना डिविडेंड जो था वो पी एंड एल में क्रेडिट कर दिया, इसको बैंक में रेक्टिफाई कर देंगे. फिर अब कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिए हैं फ्रॉम जनरल रिजर्व, उसकी एंट्री की गई है आपको बोनस शेयर से. सो हाउ मच बोनस शेयर, ये हमने कैलकुलेट किया है 180 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच 1800. फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस ही दिए हैं पी एंड एल एंड जनरल रिजर्व. तो पहले जनरल रिजर्व क्लोज कर लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं कुछ बैलेंस पी एंड एल से ट्रांसफ़र को नहीं हुए हैं. अब देखो जनरल रिजर्व का आपको क्लोजिंग बैलेंस मेंशन किया है तो किसी गिवन 1380, तो 1380, तो टोटल कमिंग 3180. तो इस साल में आपने 180 लाख जो है ट्रांसफ़र किया है पी एंड एल से बाय पी एंड एल. ये है आपका बैलेंसिंग फिगर. इट मीन्स पी एंड एल में भी गैपिक होगा टू जनरल रिजर्व जो आपने ट्रांसफर कर दिया है जनरल रिजर्व में, जिसे 1080. अब क्लोजिंग बैलेंस है जो हो आपके पास पी एंड एल में जिसे 1620. सो क्लोजिंग बैलेंस है जो 1620 जिसे 2400. सो बैलेंस है जो करंट ईयर प्रॉफिट, तो जिस करंट ईयर प्रॉफिट है जो 1200. तो मेन को पर्पज यही था कि आपको कैलकुलेट करना था बटे करंट ईयर प्रॉफिट. अब इसमें टाइम रेशो आपकी है नहीं, क्योंकि आपने ईयर के बिगनिंग में ही शेयर एक्वायर कर लिए हैं, तो ये सारा सारा रेवेन्यू प्रॉफिट माना जाएगा. सो होल ऑफ दिस इज रेवेन्यू प्रॉफिट. अब हम प्रिपेयर करते हैं मेजर आपकी जो स्टेटमेंट है जैकी स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ एस कंपनी. लेकिन शो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड
इसका प्रोफॉर्मा है इक्विटी एजुएंट एक्विजिशन, जिसमें गो आइटम्स हैं शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल प्रॉफिट्स, इक्विटी आफ्टर एक्विजिशन विच इज रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड पे किसी पे आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, सो इट इज कॉल्ड प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो अब देखिए शेयर कैपिटल आपको मेंशन किया है, तो पहले हम ले रहे हैं बैलेंस ही जिसे यू एज ओन, सो फर्स्ट कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का बैलेंस आपका आपने ओरिजिनल शेयर कैलकुलेट किए थे 300 लाख, जिसे यू इनकू 10 3 हो गए, तो रुपये आपके चल रहे हैं लैक्स में। फिर आपको देखो जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया है एंड यू पी एंड एल बैलेंस, ये आपको मेंशन किए हैं। तो जनरल रिजर्व टू गए 3000 लैक्स एंड पी एंड एल वाज 1200 लैक्स। फिर आपने कैलकुलेट किया था करंट ईयर प्रॉफिट, तो उसमें टाइम रेशो नहीं है, डेट टू एक्विजिशन इज इन द बिगनिंग, सो लेट अस शो करंट ईयर प्रॉफिट। नेक्स्ट वी हैव करंट ईयर प्रॉफिट, सो दिस वी की क्वार्टरली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट विच इज आवर रेवेन्यू, तो दिस वी हैव कैलकुलेटेड 1200 लैक्स। फिर आपको मेंशन किया था कि अब आपने डिविडेंड पे किया है, किसी जो पे जो फॉर द प्रीवियस ईयर, इट मीन दिस इज आउट ऑफ बैलेंस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, तो डिविडेंड पे जो ऑन 3000 एक बार 20% 600 लैक्स, इसको आप कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस कीजिए और डिविडेंड के सेपरेट कॉलम में आप शो कर लीजिए। फिर कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए हैं, इसके नंबर ऑफ शेयर के 180 लाख ऑफ रुपीज 10 आउट ऑफ जनरल रिजर्व, इट मीन 1800 लाख के जनरल रिजर्व विच कैपिटल प्रॉफिट्स आपके यूटिलाइज हो जाएंगे और इससे आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 1800 लाख। सो दिस विल बी द बैलेंस इज 4800 शेयर कैपिटल, यानी जैसे कि 1800 कैपिटल प्रॉफिट्स, रेवेन्यू प्रॉफिट्स आर 1200 एंड डिविडेंड पे लीजिए 600। फिर आप कैलकुलेट कीजिए वही जो ए शेयर ए लिमिटेड जो शेयर, जैसे वी हैव कैलकुलेटेड 60% माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये 40%, सो 4800 इंटू 60% जैसे जो 2880 बैलेंस इज 40% 1920, सो 1800 इंटू 60% 1080 बैलेंस इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट 720, जैसे जो 720 480 एंड 360 एंड 240। सो होल्डिंग कंपनी इन दिस केस एच लिमिटेड, सो होल्डिंग शेयर इज 2880 प्लस कैपिटल प्रॉफिट में जो शेयर है जिसे कहा जो होल्डिंग शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। फिर आखिर कोई डिविडेंड इसको रिसीव हो रहा है फ्रॉम प्री एक्विजिशन, तो ये आपने माइनस करना है इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से, बट दिस हैज बीन क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। तो अब देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो लेके से थर्ड वर्किंग नोट की एडजस्टमेंट एंट्रीज इन बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, सो होल्डिंग कंपनी गिवन एच लिमिटेड आपको आ जाएगी, जो आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड है जिसको आपने क्रेडिट किया पी एंड एल में, इसको एक्टिवेट करके हैं उसको आप पी एंड एल में डेबिट कीजिए एंड को इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिस इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स ऑफ एस कंपनी, जिसे जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड विच वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू पी एंड एल, नाउ इट इज रेक्टिफाइड। अब हमने पी एंड एल को डेबिट कर दिया और इन्वेस्टमेंट को कर देंगे क्रेडिट 360 लाख से, रुपीज आपको चल रहे हैं लैक्स में। फिर आपको देखो एक और एडजस्टमेंट मेंशन की है, ऑन 31 मार्च ऑल द बिल्स पेबल ऑफ एस लिमिटेड वर एक्सेप्टेंसी इन फेवर ऑफ एक्स लिमिटेड, तो आप देखिए एस के कितने बिल्स पेबल हैं जैसे जो 160 लाख, ये सारे के सारे एस ने इशू किए हैं एच को, बट ऑन डैट डेट एच हेल्ड ओनली 45 लाख ऑफ डीज एक्सेप्टेंसी इन हैंड, द रेस्ट हैविंग बीन एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर्स, पर एस टी बैलेंस शीट में इसमें से है सिर्फ 45 लाख, तो डीज आर म्यूचुअल ओइंग्स उसको आप एलिमिनेट कर लीजिए। सो देन वी हैव नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिस इज रिलेटेड विद बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल, सो इट इज गिवन दैट ऑन 31 मार्च 2023 ऑल द बिल्स पेबल ऑफ एस लिमिटेड वर एक्सेप्टेंसी इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड, बट ऑन दैट डेट एच लिमिटेड हैड ओनली रुपीज 45 लाख ऑफ डीज एक्सेप्टेंसी इन हैंड, द रेस्ट हैविंग बीन एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। तो अब देखिए आपको मेंशन किया है एस की बैलेंस शीट में टोटल बिल्स पेबल है 160, बट आउट ऑफ दिस एच हैड ओनली 45 लाख, इतनी जो आपके कॉमन बिल्स हैं जिसे 45 लाख उसको आप एलिमिनेट कीजिए
उसकी एंट्री बन जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड किसी जॉब को एस लिमिटेड को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट किसी जॉब को एच लिमिटेड तो कॉमन अमाउंट है जो 45 लाख्स कितनी जो रिमेनिंग बिल्स आपने एंडोर्स कर लिए हैं सो दैट विल रिमेन लाइबिलिटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी. तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको मेंशन किए हैं ऑन 31 मार्च 2023 एस लिमिटेड इन्वेंट्री इंक्लूडेड गुड्स विच इट हैज परचेज्ड 4 रुपीज 100 लाख फ्रॉम एच लिमिटेड. तो एक एच ने आपको सेल्स की हैं एच हैज सोल्ड गुड्स टू एस इट मीन्स दिस इज डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन और एस के स्टॉक में इंक्लूड हैं गुड्स विच इट हैज परचेज फॉर रुपीज 100 लाख तो एस हैज अनसोल्ड स्टॉक एंड दिस इज ऑफ रुपीज 100 लाख्स तो सारे फिगर्स आपके लैक्स में चल रही हैं एंड ऑन विच एच हैज मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट. तो इसके ऊपर प्रॉफिट अर्न किया है एच ने सो एच मेड प्रॉफिट देखिए 20% ऑन कॉस्ट 25% ऑन कॉस्ट तो एच ने प्रॉफिट अर्न किया है 25% ऑन कॉस्ट इट मीन्स इफ कॉस्ट इज 100 देन यू एड प्रॉफिट 25 सेल प्राइस विल बिकम 125. तो ये जो स्टॉक है एस की बुक्स में किसी जगह के सेल प्राइस तो इसमें से आपको एलिमिनेट करना है अनरिलाइज्ड प्रॉफिट तो उसकी एंट्री बन जाएगी सिर्फ एच ने अर्न किया है प्रॉफिट डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है तो उसकी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक रिजर्व. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. सो दिस विल बी अवर 100 का स्टॉक है इसमें प्रॉफिट है आपका 25 और सेल प्राइस है आपकी 125 इट मीन दिस इज यू 1/5 दिस इज यू 20 लाख्स. ये आपकी हैं क्लीन एडजस्टमेंट जिसमें नाउ वी कैन कैलकुलेट बट इज अवर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कंसोलिडेटेड P&L. तो लेकर से फोर्थ वर्किंग नोट कीजिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. इसके लिए आप पहले कैलकुलेट कीजिए बट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एच कंपनी इन शेयर्स ऑफ एस कंपनी. तो किसी जीवन को भी तो जितने के आपने शेयर्स परचेज किए हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गिल शेयर्स तो किसी जीवन अवर 3000 लैक्स उसकी जो कॉस्ट आपको दी है जिसे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स जिसे जीवन 3000 लैक्स. अब इसमें से आपको माइनस करना है बाकी प्री एक्विजिशन डिविडेंड वो आपने जो कैलकुलेट किया था एच का शेयर है 360 को माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड. ये डिविडेंड एच को रिसीव हो गया पर एच ने क्रेडिट कर लिया था अपने P&L अकाउंट में इसको हमने रेक्टिफाई किया था सो वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी है आपको 3000 लैक्स माइनस कर दी गया आपको 360 डिविडेंड सो दिस विल बी अवर 2640. तो रुपीज आप मैंशन कर लीजिए रुपीज आपके लैक्स में चल रहे हैं. फिर आपको कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को वट इज एच शेयर इन इक्विटी. तो एच शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी एस कंपनी ऑन डे को एक्विजिशन इसमें दो आइटम्स आएंगे आपके शेयर कैपिटल एंड शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स. तो वी हैव टू टेक शेयर कैपिटल ऑफ एस कंपनी विच इज हेल्ड बाय एच कंपनी प्लस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स. तो किसी कमिंग को भी 2880 प्लस 1080 तो दिस टोटल 2880 प्लस 1080 दिस इज 3960. नाउ वी कैन कंपेयर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एच शेयर इन इक्विटी. सो एच शेयर इन इक्विटी 3960 विच इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सो दिस विल बी अवर कैपिटल रिजर्व. तो कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू एक्स शेयर इन इक्विटी 3960 माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2640 सो दिस इज कमिंग को भी 1320 तो इसको मैंशन करके ये है हमारा ये फोर्थ वर्किंग नोट यू आर गेटिंग कैपिटल रिजर्व दिस इज 1320. तो नेक्स्ट लेटेस्ट कैलकुलेट कंसोलिडेटेड P&L. तो नेक्स्ट फिफ्थ वर्किंग नोट वी आर शोइंग कंसोलिडेटेड P&L. तो दिस कंसोलिडेटेड P&L इज इक्वल टू तो फर्स्ट में से बटी एच बैलेंस इन P&L को एक्स्ट्रा कितना बैलेंस है इन इट्स ओन P&L तो प्लस आप ऐड कीजिए एक्स्ट्रा जो शेयर है इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स. तो शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स
फिर हमने गो एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी, नंबर वन है कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो उसकी एंट्री की पी एंड एल को इन्वेस्टमेंट, तो उसको माइनस कीजिए, माइनस बाकी जो शेयर इन प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो जिस बार जो रॉन्गली क्रेडिटेड टू पी एंड एल, ये पी एंड एल में से माइनस हो जाएगा। फिर आपने एक स्टॉक रिजर्व क्रिएट किया था, माइनस स्टॉक रिजर्व, तो जिस विल बी कंसोलिडेटेड बैलेंस ऑफ पी एंड एल, सो एक्स्ट्रा बैलेंस देखिए आपको मेंशन किया है बैलेंस शीट में इन पी एंड एल 2715 प्लस शेयर इन जिस रेवेन्यू प्रॉफिट्स 720 माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड 360, स्टॉक रिजर्व आपने क्रिएट किया था 100 लाख से ऊपर 150 माइनस स्टॉक रिजर्व, सो दिस विल बी बैलेंस इन कंसोलिडेटेड पी एंड एल 2715 प्लस 720 माइनस 360, सो माइनस 20 दिस इज 3055। इसको भी आप शो कर लीजिए एक वर्किंग नोट, तो फिफ्थ आपने वर्किंग नोट शो किया है कंसोलिडेटेड पी एंड एल, देखिए 3055। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट सिक्स्थ वर्किंग नोट के लिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसमें हम कंसीडर करेंगे शेयर कैपिटल विच इज हेल्ड बाय माइनॉरिटी प्लस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स एंड प्लस शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स, और डिविडेंस हमको ऑलरेडी रिसीव हो गए हैं माइनॉरिटी को, सो शेयर कैपिटल 1920 प्लस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 720 रेवेन्यू प्रॉफिट 480, तो जिसे 1920 प्लस 720 प्लस 480 टोटल लीजिए 3120। तो लेट अस राइट सिक्स वर्किंग नोट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो जिसे कमिंग को भी 3120। सो नाउ वी कैन प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो लेकिन शो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, दिस इज एज ऑन 31st March 2023। इसमें आप शो कीजिए वी हैव पर्टिकुलर्स इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वी आर शोइंग इक्विटी लायबिलिटी के फर्स्ट के शेयर होल्डर फंड्स, सो इन दिस वी हैव टू शो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी, रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में, सो शेयर कैपिटल गिवन को भी 12,000, सो देन वी हैव रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें देखिए आपको बैलेंस दिया है जनरल रिजर्व, सो जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी जी 2784। फिर आपने कैलकुलेट किया था कैपिटल रिजर्व, इसका वर्किंग नोट नंबर है 4th, ये आप शो कर लीजिए वर्किंग नोट नंबर 4, सो कैपिटल रिजर्व 1320। देन वी हैव कंसोलिडेटेड पी एंड एल, सो इट्स वर्किंग नोट नंबर 5, सो अमाउंट 3055 जा रहे शेयर होल्डर फंड्स, तो लेकर स्टेट इज टोटल जिसे 12 + 2 = 14784 + 1320 + 3055 जिसे 19159। देन वी हैव सेकंड हैडिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट नंबर 6, तो आप शो कीजिए वर्किंग नोट नंबर 6 अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट 3120। तो देन वी हैव करंट लाइबिलिटीज, उसमें आपके वो फर्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स बिल्स पेबल प्रोविजन फॉर टैक्स, इन करंट लाइबिलिटीज मेजर आइटम्स आर क्रेडिटर्स बिल्स पेबल प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड पेबल, को क्रेडिटर्स आप दोनों को ऐड कीजिए, तो किसी की 1461 सो प्लस 854 जिसे 1461 प्लस 854 जिसे 2315। देन वी हैव बिल्स पेबल जिसे 372 प्लस 160, उसमें की आपकी म्यूचुअल ओइंग्स 45 जो कॉमन बिल्स थे वो कर लीजिए माइनस, हाँ 372 प्लस 160 माइनस 45 जिसे 487। देन वी हैव प्रोविजन फॉर टैक्स 855 प्लस 394 सो टोटली 1249। देन वी हैव डिविडेंड पेबल दिस इज ऑफ एच कंपनी ओनली दिस इज 1200 सो ही आर टोटल करंट लाइबिलिटीज सो टोटल 5251 सो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज विल गेट
5251 plus 3120 plus 19, so 159. This is 27,500. Next, let us see assets. In assets, first we have non-current assets. उसमें आपको आइटम की है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. ये आप लोग दोनों का ऐड कर लीजिए ऑपरेटिंग कंपनी एंड सब्सिडरी. तो दिस इज 9468. तो वी गेट टोटल पी पी ई. सो दिस इज 9468 प्लस 5486. दिस इज 14954. सो अगेन वी हैव करंट एसेट्स. इसमें आप देखिए आपको मेजर आइटम्स लिए हैं इन्वेंट्री. Then we have debtors, bills receivable, then it will be cash, and loans and advances. So first let us see inventories are 3949. Yeah, gonna be actually 3949 plus 1956 or minus 3. Humne create kiya tha ki stock reserve. This is 20 lakhs. 20 is stock reserve. So this is 3949 plus 1956 minus 20. This is 5, so double A to 5. So then we have debtors. So debtors are 2600 plus 1363. So total debtors. So total debtors are 3963. Then we have bills receivable 360. प्लस 199. और इसमें क्या आपकी कुछ म्यूचुअल वाइंस 45 लाख, वो कीजिए आप माइनस. तो जैसे 360 प्लस 199 माइनस 45, जैसे जो 514. देन वी हैव कैश 1490, सो प्लस 204. 1490 प्लस 204, सो टोटल कैश ही 1694. Then we have loan and advance only of H limited. This is your 520. These are total current assets. So 1694 plus 520 plus 514 plus 3963 plus 5885. So these are coming to be 12 to 576. Then we create this total. So these are total. So assets 12576 plus 14954. So these are 27,530. So this is your consolidated balance sheet. So in this lecture we have discussed the examination problem of a holding company. So further problems we will continue in the next lecture. So video aapko achhi lagti hai, like kijiye, subscribe kijiye, and you can recommend it to your friends also. Thank you.